नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। रामकृपाल यादव की नॉमिनेशन रैली आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि युवाओं की भूमिका यहां पर अधिक दिखती है और अभिमन्यु यादव जो है रामकृपाल यादव के बेटे, वो भी इन युवाओं का संचालन कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, थोड़ा समय चाहेंगे, पिता के नॉमिनेशन में, पिता की जीत में आपका क्या योगदान होने वाला है? योगदान ये हमारे परिवार के साथ रिजल्ट की बारी है हम लोगों का, मतलब एक परीक्षा की रूप में हम लोग नॉमिनेशन पिताजी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सब लोग, हमारे नौजवान साथीगण को, अपने परिवार के सदस्य को जिताने के लिए सब लोग जिस तरीके से एकता और जुनून और जोश दिखाया है, इसके लिए तो रिजल्ट आपको साफ दिख रहा होगा। पटना के युवाओं में आजकल टीम अभिमन्यु का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। टीम अभिमन्यु क्या कर रही है? टीम अभिमन्यु देखिए, टीम अभिमन्यु बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ एक संस्था है, जिसको बिल्कुल कहीं भी ऐसे लोग होते हैं जिनको जरूरत रहती है सामाजिक कार्यों में, तो वहाँ पर बिल्कुल टीम अभिमन्यु के सदस्य पहुँचकर उनका मदद पहुँचाता है। और इसीलिए हम लोगों के ऊपर विश्वास है, नौजवानों का और सभी समाज के लोगों का, कि टीम अभिमन्यु कोई भेदभाव नहीं रखता और सबको एक साथ लेकर चलता है, और इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने कार्य को करते रहते हैं। चलिए, तो अभिमन्यु यादव भी टीम अभिमन्यु का नेतृत्व करते हुए पटना में नॉमिनेशन भर रहे हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़ी तमाम तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।